हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइज ली में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, विच इज़ अबाउट मैनेजिंग बिहेवियर और मिस बिहेवियर। तो पहले हम देख लेते हैं कि हम बच्चों के बिहेवियर को कैसे मैनेज करेंगे अगर वो मिस बिहेवियर कंडक्ट करते हैं क्लास में। तो बी माइंडफुल ऑफ योर ओन रिएक्शन। अ वाइटल कॉम्पोनेंट ऑफ मैनेजिंग डिफिकल्ट बिहेवियर इज़ नोइंग डैट योर बिहेवियर इफेक्ट्स द बिहेवियर ऑफ अदर्स। हम जब भी कोई एक्शन ले रहे हैं या हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें पूरा सोच समझ के रिएक्ट करना चाहिए, बिकॉज ये एक वाइटल कंपोनेंट है। जब भी हम किसी भी बच्चे का या कोई भी जब कोई मिसबिहेव कर रहा है तो वो बहुत डिफ़िकल्ट बिहेवियर होता है कि हम जान पाए कि वो क्यों कर रहा है। तो हमें पहले देखना चाहिए कि जब हम उससे कोई गलत बात कर देंगे या हम जैसे भी रिएक्ट कर रहे हैं, हमने हमारे मुँह से कुछ गलत ना निकले, बिकॉज हमें फिर देखना पड़ेगा कि उसका इफेक्ट बच्चे पे क्या पड़ रहा है, दूसरों पे क्या पड़ रहा है जो आपने रिएक्ट किया। रिकॉग्नाइज़ योर लिमिट्स। अपने लिमिट्स को जानो। यूज़ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जनरली यूज़ करो कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बात करो। बी ब्रीफ, और हमेशा ब्रीफली बात करो, अच्छे से बताओ कि आप कहना क्या चाहते हो। कॉजेज़ क्या क्या है मिस बिहेवियर के। डिज़ायर फॉर पावर। एक डिज़ायर है कि नई पावर तो मेरे हाथ में होनी चाहिए, मैं ही लीड करूँगा। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, किसी बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल भी। प्रॉब्लम्स विद करिकुलम, जो करिकुलम है वो अच्छे से सेटअप नहीं किया गया सभी बच्चों के अकॉर्डिंग, वो सभी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग सेटअप नहीं किया गया, कुछ प्रॉब्लम है करिकुलम में, तब भी मिसबिहेवियर स्टूडेंट्स करते हैं। क्लासरूम एनवायरनमेंट, क्लास का एनवायरनमेंट सही नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव स्टूडेंट्स हैं या फिर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन हो रही है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, बच्चे की साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अभी सही नहीं चल रहे, वो इमोशनली बहुत कुछ ना कुछ फेस करे, किसी प्रॉब्लम्स में है। सीकिंग अटेंशन, बीइंग द सेंटर ऑफ अटेंशन इज़ अ कॉमन डिज़ायर फॉर स्टूडेंट्स, सम मोर देन अदर्स। हम अटेंशन पाने की कोशिश करते हैं कुछ बच्चे की, हम हाँ सेंटर बन जाएंगे क्लास का अगर हम ऐसे बिहेव करेंगे, बिकॉज वैसे तो हमें कोई देख ही नहीं रहा। अगर हम कुछ मिसबिहेव करते हैं तो टीचर हमें ज़रूर बोलेगा। इंटरवेंशन टू डील विद मिसबिहेवियर इन क्लासरूम एंड स्कूल। हम क्या क्या इंटरवेंशंस ले सकते हैं ताकि हम मिसबिहेवियर के साथ डील अप कर सकें स्कूल्स के अंदर या क्लासरूम्स के अंदर। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ यूजफुल इंटरवेंशंस इंक्लूड बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, अडॉप्टिंग द एनवायरनमेंट, मैनेजिंग सेंसरी स्टिमुलेशन, चेंजिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, प्रोवाइडिंग प्रॉम्प्ट्स एंड कॉजेस, सॉरी प्रोज एंड कॉन्स, यूजिंग अ टीच रिव्यू एंड रीटीच प्रोसेस एंड डेवलपिंग सोशल स्किल्स। तो इंटरवेंशन में क्या है कि हम ना ये देखते हैं कि हम कैसे डील अप करेंगे स्टूडेंट्स के साथ अगर क्लासरूम में है या स्कूल में। तो उसके कुछ एग्जांपल्स ये हैं कि हम कौन कौन से टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं। हम बच्चों के साथ रिलेशनशिप्स डेवलप करने की कोशिश कर सकते हैं, हम उनके जैसे इन्वायरमेंट में ढल के और उन्हें फिर अपने इन्वायरमेंट में लेके आ सकते हैं। हम मैनेज कर सकते हैं उनके सेंस ऑफ स्टिमुलेशन को कि वो अभी कैसा फील कर रहे हैं, या अगर हम उनको इस वे से पढ़ाएंगे तो वो कैसे पढ़ेंगे। अपना कम्युनिकेटिंग वे चेंज कर सकते हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर सकते हैं, मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को नए नए कॉजेज बता सकते हैं, उनको प्रमोट कर सकते हैं, उन्हें प्रोज बता सकते हैं। यूज़ करेंगे टीचिंग का, रिव्यू का और रीटीच प्रोसेस का, कि पहले हम टीचिंग देंगे, फिर हम बच्चों से रिव्यू लेंगे और फिर हम दोबारा से रीटीच करेंगे उसी कंसेप्ट को कि बच्चों को कहाँ कहाँ पे दिक्कत आई थी। एंड डेवलप सोशल स्किल्स, और सोशल स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं अगर हम किसी क्लास को या स्कूल को मिसबिहेवियर से मैनेज करने वाले, डेवलप करने वाले हैं। एक क्लासरूम में हम कैसे मैनेज करेंगे। मॉनिटर योर स्टूडेंट्स क्लोजली। स्टूडेंट्स को अच्छे से मॉनिटर करेंगे। स्टूडेंट्स हु फील दे आर इन द प्रेजेंस ऑफ एन अलर्ट एजुकेटर आर लेस लाइक टू मिसबिहेव देन दोज हु अज्यूम दे आर नॉट बीइंग वॉच्ड। स्टूडेंट्स जो कि ये फील करते हैं कि हाँ उन्हें कोई ना कोई देख रहा है, उन्हें टीचर देख रहा है, तो वो कम से कम मिसबिहेव करने की कोशिश करते हैं या वो मिसबिहेव ही नहीं करते, बिकॉज उन्हें लग और जब बच्चों को नहीं देखा जाता अच्छे से तो बच्चों को ये लगता है कि हमें तो कोई देख ही नहीं रहा, तो वो मिसबिहेव ज़्यादा करते हैं। और ज़्यादातर हमें काम रहना चाहिए हर सिचुएशन में, सो डैट स्टूडेंट्स मिसबिहेव ज़्यादा ना करें, कम करें। तो यही थी कि हम कैसे डील अप करेंगे स्टूडेंट्स के साथ मिसबिहेवियर में। तो यहाँ पे हमारी ये यूनिट ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। बाय।